बीजेपी नेता खुशबू सुंदर 2018 में किए गए अपने एक ट्वीट को लेकर विवादों में है। बीजेपी नेता का ट्वीट भी मोदी सरनेम को लेकर है, जिसके चलते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा और फिर संसद से अयोग्य घोषित किया गया। खुशबू सुंदर ने जब ये ट्वीट किया था तब वे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी। सुंदर मौजूदा समय में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, जिन्होंने साल 2020 में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2018 में किए गए ट्वीट में खुशबू सुंदर ने लिखा था, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है, तो बात को न समझो। मोदी मतलब भ्रष्टाचार, आइए मोदी नाम का मतलब ही भ्रष्टाचार कर देते हैं, ये ज्यादा सूट करता है। अपने इस ट्वीट को लेकर बीजेपी नेत्री अब सफाई दे रही है। खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ये न केवल दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी निराश है, बल्कि जिस मुद्दे को वे उछाल रहे हैं उसके प्रति उनकी अज्ञानता को भी उजागर करता है। मैंने कभी अपने टाइमलाइन से ट्वीट को हटाया नहीं है और ना ही ऐसा करूंगी। कांग्रेस नेता मेरा नाम लेकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे मेरी तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं? उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में थी और केवल कांग्रेस प्रवक्ता का कर्तव्य निभा रही थी। ये वो भाषा थी जिसे हमें बोलना था और मैं यही कर रही थी। मैं पार्टी नेता का अनुकरण कर रही थी, ये उनकी भाषा थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मोदी सरनेम का अपमान करने को गलत नहीं मानती, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी स्तर को नीचे ले गए और सभी मोदी को चोर कहा। मैंने केवल भ्रष्टाचार का शब्द इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी इसमें अंतर करने में असमर्थ है, लेकिन अगर उनमें सामर्थ्य है तो मैं कांग्रेस नेताओं को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चुनौती देती हूं। मैं उसका कानूनी रूप से सामना करूंगी। खुशबू सुंदर करीब 100 फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उन्होंने सबसे पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके द्रमुक का दामन थामा और बीजेपी में शामिल होने से पहले वो कांग्रेस में चली गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।